हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो कीवर रिसर्च के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर मैंने एक वोटिंग किया था जो कि SEO फैक्टर, कंपटीटर एनालाइज और लो कंपटीटर कंपटीशन कीवर्ड है ना। तो सबसे ज़्यादा जो वोट आया है यहाँ पर आप देखें 52% है ना SEO का फैक्टर। तो इसी के विषय में आज मैं कंप्लीट आपको कह सकते हैं कि आपको कई पार्ट में मैं आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, है ना। SEO फैक्टर समझना इतना एक वीडियो में 20-25 मिनट की वीडियो में समझना आसान नहीं है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको पार्ट वाइज आपको बताता रहूँगा। कंप्लीट सीरीज देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि SEO कंप्यूटर लाइव चेकलिस्ट कौन कौन सी आपको तैयार करनी होती है। चेकलिस्ट आपको कौन कौन सी तैयार करनी है सबसे पहले ये मैटर करता है ना। ये एक वेबसाइट है सरकारी जॉब फाइंड और मैं इसी का आपको अभी डेमो आपको दिखाऊंगा कि इस पर आप देखेंगे कि कोई यहाँ पर ट्रैफिक व्रैफिक नहीं है ना, क्योंकि इस पर बहुत मिस्टेक हुआ है इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा वीडियो में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, DR को पता करना है ना। DR क्या है, तो इस वेबसाइट का DR हमको सबसे पहले पता करेंगे। तो ये रहा आंसर, आप यहाँ पर मैंने डोमेन डाला और इसके बाद DR को हम पता करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमारा DR आता है ना। अभी URL रेटिंग क्या है इसकी, काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। और DR इसका 2 है और URL क्या है इसका दोस्त, आप देखेंगे तो 29 है। यानी URL पे इसका डोमेन बना है, रेफरिंग मतलब वेबसाइट से इन्होंने बैकलिंक बनाया गया जो कि 29। अभी DR क्या, ये 2 है ना। तो ये रहा DR और उसके बाद आर्टिकल का लेंथ। अब ये वेबसाइट क्यों नहीं रैंक है ना, इस पर क्यों नहीं ट्रैफिक आ रहा, अभी हम आपको डिटेल में बता, ठीक है। ये वेबसाइट क्यों नहीं रैंक कर रही है अब मैं आपको बताऊँगा, है ना। अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, है ना। तो अब हमको क्या पता करना, आर्टिकल का लेंथ पता करना है ना। सबसे पहले DR आता है, फिर आर्टिकल आता है, फिर बैकलिंक आता है। सेम वेबसाइट सेम डोमेन के साथ, डोमेन हमारा इसका दूसरी है सरकारी जॉब .cc है। और अगर इस वेबसाइट का अगर मैं कॉम्पिटिटर को बताऊं, तो इसका कॉम्पिटिटर जो है मैं आपको बताता हूँ, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिंग डोमेन है, सेम डोमेन है, सिर्फ एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन बोले तो .cc है ये। और इसका जो कंप्यूटर वाला वेबसाइट है वो .org है, यहाँ पर देखेंगे .org है, .info है, और उसके बाद अगर आता है तो .co है, और उसके बाद आता है कि .com वाली है ना, सरकारी जॉब फाइंड .com, सरकारी जॉब .co, सरकारी जॉब फाइंड .info। अब इन वेबसाइटों पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है, अगर मैं इनको ओपन करता हूँ तो इनको ट्रैफिक है। अभी मैं आपको सारा जो मेथड बता रहा हूँ आप ध्यान से समझिएगा, है ना। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, तो इसलिए सब चीज़ों को ध्यान समझिएगा। अब मैं इसको आपको इसका मैं आपको ट्रैफिक चेक करके बताता हूँ कितना ट्रैफिक है। तो आप देखेंगे ये कंप्यूटर वाला जो हमारा डोमेन है, ये सारे जो डोमेन हैं इन पर कितना ट्रैफिक है ना। इसका 26 का URL है, आप देखेंगे 309 बैकलिंक है, DR 1.5 है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लगभग 1 से 1.5 हज़ार का ट्रैफिक है ना, लगभग 1 हज़ार का ट्रैफिक है यहाँ पर 97। तो मैं समझ लेता हूँ 1500 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है मंथली का, 1500 मंथली का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आता है, है ना। तो ये हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या, अगर आप यहाँ पर अगर सरकारी जॉब फाइंड अगर लिखते हैं, तो ये वेबसाइट कहीं नहीं नजर आएगी। अगर आप सरकारी जॉब फाइंड अगर आप यहाँ पर गूगल में लिखते हैं तो ये वाली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, है ना, ये वाली वेबसाइट आपको दिखाई देगी। मैं आपको करके और आपको पूरा बताता हूँ। जैसे देखिए सरकारी जॉब फाइंड ये मैंने लिखा, अब ये देखो सबसे टॉप में रैंक है, .com सबसे टॉप में रैंक है, उसके बाद हमारा सेकंड पे आती है .info, .com है, फिर .info है, उसके बाद आप देखेंगे .org है, सरकारी जॉब .com है, सरकारी जॉब .com है। अब मैं .cc वाला दिखाता हूँ,
तो आपको डॉट सी सी वाला यहाँ पर कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है ना। तो इसमें मैटर क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये नज़र क्यों नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं जा रहा है। सरकारी जॉब फाइन डॉट स्पेस वाली वेबसाइट तीसरे पेज पे रैंक है। सरकारी जॉब फाइन डॉट डॉट इन है ना, अब जाके आया सरकारी जॉब फाइन डॉट सी सी है ना। क्योंकि इस पे जो SEO किया गया है होम पेज का, वो रॉन्ग SEO, सबसे पहले होम पेज का ही SEO रॉन्ग किया गया है ना, होम पेज का SEO ही रॉन्ग किया गया है। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों किया गया है। यहाँ पर आप होम पेज से अगर चेकलिस्ट इसका फाइंड करेंगे, सरकारी जॉब फाइंड प्रोवाइड है ना, प्रोवाइड योर रिजल्ट, यहाँ पर देखेंगे जो कीवर्ड है वो रिपीट नहीं कीवर्ड है, सरकारी जॉब फाइंड रिपीट कीवर्ड नहीं। और आप सेम यहाँ पर देखेंगे है ना, जहाँ पर बंदे ने क्या लिखा है, सरकारी जॉब फाइंड डॉट सी सी, डोमेन जो होता है, जो एक्सटेंशन होता है, वो आर्टिकल में नहीं लिखा जाता है ना। कहीं पर आप देखेंगे कि आर्टिकल में कहीं कोई नहीं लिखा है, कोई अपना सॉरी टाइटल में कोई अपना .com .in का कहीं 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 देखिए कोई लिखा है, इस वेबसाइट पर कहीं .com लिखा गया है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया। इसमें आप देखेंगे सरकारी जॉब फाइंड डॉट स्पेस, यहाँ पर आप कहीं देख रहे हैं सरकारी जॉब फाइंड डॉट स्पेस कहीं लिखा है, डॉट स्पेस कहीं नहीं लिखा है। तो आप देखेंगे इस वेबसाइट में सरकारी जॉब फाइंड डॉट सी सी में आप देखेंगे ये टाइटल में लिखा गया है, जो कि ये SEO के रूल के खिलाफ है। तो आपकी वेबसाइट क्यों रैंक करेगा है ना, गूगल क्यों रैंक करेगा, गूगल का भी एल्गोरिथम का एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम के हिसाब से आपकी वेबसाइट रैंक होगी। SEO का कुछ फैक्टर है ना, उस रूल को आप फॉलो करेंगे है ना। अगर आप किसी एग्जाम में क्रैक करना, जैसे आप बैंक का ईमेल, अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा एग्जाम है ना, और एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा है ना, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया है ना, GK हो गया, ये वगैरह वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, और सब में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा है ना। सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सब में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्त है ना, तब जाके आप बैंक की जॉब पाओगे है ना। जब तक आप वो सारे जब तक सारे सब्जेक्ट को आप क्वालिफाई नहीं करोगे, तब तक आपको बैंक की जॉब नहीं मिलेगी। तो सेम आप समझ सकते हैं, जब तक आप सारे SEO फैक्टर को जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक गूगल आपको टॉप में नहीं ले जाएगा मेरे दोस्त है ना। मैं अगर फर्स्ट पेज की बात करूँ, सरकारी जॉब फाइंड की फर्स्ट पेज की बात करूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कहीं पर भी लिखा है ना, कहीं पर भी नहीं लिखा है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप क्वालिफाई करना पड़ेगा है ना हर चीज़ को। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा पेज कहाँ गया, सरकारी डॉट, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है, फिर यहाँ पर भी लिखा है, फिर डोमेन आर्टिकल में मतलब कि मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंशन कभी नहीं डाला जाता है ना, एक्सटेंशन कभी नहीं लगाया जाता है ना, नेचुरल वे में आपको लिखा जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, रिपीट कीवर्ड कभी नहीं लिखना चाहिए, तो रैंक नहीं होता। तो ये कुछ फैक्टर इसका होम पेज ही, होम पेज पे ही इसका एरर है, जो होम पेज का UR इस पे क्या है, SEO का किया नहीं गया है ना, होम पेज पर SEO नहीं किया गया है। अगर आपको होम पेज पे SEO आपने नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप जाके वेबसाइट ऑडिट कंपटीटर एनालाइज SEO, तो कंपटीटर का वेबसाइट जाके एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेथड शेयर किए हैं, और आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये से जो डॉट एक्सटेंशन होता है, ये SEO के रूल के खिलाफ होता है ना, तो ये सब इसको एंटर नहीं कर रहा है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन होम पेज में है ना, ना ही टाइटल में ये सब दिया जाता है, ठीक है, ये रॉन्ग वे है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप आर्टिकल के टारगेट कैसे करेंगे, DR को पता करना है ना। अब आर्टिकल लेंथ आपको पता करना है, DR का मैंने आपको बता दिया कि इसका DR देखिए 1.5 है, जो कि इस पर ट्रैफिक आ रहा है। और अगर मैं इसका DR की बात करूँ, जो इससे पहले हमने वेबसाइट देखी है, 1.5 है, और मैं आपको ये वाली इन्फो वाली हो गया, डॉट सी सी वाला ये रहा है ना, डॉट सी सी वाला का मैं DR आपको दिखाता हूँ, जो कि इससे ज़्यादा है, फिर भी वो रैंक, फिर भी उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ है ना, 29 इसका देखेंगे URL है, इसका DR भी ज़्यादा है, फिर भी देखेंगे आप इस पर ट्रैफिक नहीं, ये 26 का DR सॉरी URL है, 1.5 का इसका DR है ना,
तो आप देखेंगे ये फिर भी ट्रैफिक ला रहा है ना, इस पे कोई ट्रैफिक नहीं है ना। और ये बैकलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बना रखा है बंदे ने, है ना, बैकलिंग भी ज़्यादा बना रहा है, इसका ऑर्गेनिक कीवर्ड भी रैंक नहीं है ना। यहाँ पर देखेंगे इसका URL भी कम है, DR भी कम है, और बैकलिंग भी कम बनाया है, और इसका ऑर्गेनिक 400 कीवर्ड भी रैंक है, और इस पर ट्रैफिक मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि होम पेज जो है इसका ऑप्टिमाइज किया गया है ना, होम पेज ऑप्टिमाइज किया गया है, SEO किया गया है, ये सारे मैटर है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपको कैसे अपने कॉम्पिटिटर का है ना, कॉम्पिटिटर का कैसे आप पोस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर पोस्ट को जैसे आपने रैंक कराया वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं, है ना। ये सारा मैं आपको डिलीट कर देता हूँ अभी। कॉम्पिटिटर को पोस्ट का एनालाइज करने का आपको सिंपल सा मेथड है, आपका डोमेन यहाँ पर इंटर होना चाहिए, सीधा आप चले जाएंगे यहाँ पर कॉम्पेटिंग पेज में, यहाँ लिखा ना कॉम्पेटिंग पेज, है ना, कॉम्पेटिंग पेज का आपको क्लिक करना है। अब ये उठा के ले जाएगा जो मिलता जुलता हमारा हो जाए, हमारे वेबसाइट से रिलेटेड, जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे जो लोग कॉम्पिटिंग पेज सबसे पहले जो टॉप में आ रही है वेबसाइट, वो सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम आ रही है ना। जो इसके पेजेस हैं है ना, वो सबसे पहले इससे मैच खा रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको टारगेट करना चाहिए, ना कि इन सारे कीवर्ड को, यानी ना कि इन सारे वेबसाइट को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले हमको इस वेबसाइट का होम पेज को हमको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमको अपनी वेबसाइट का होम पेज क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, अपनी वेबसाइट का होम पेज। अभी मैं सारा चीज़ मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ एक ही साथ, है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ तब मैं बताता हूँ आपको उसका। कॉम्पिटिंग पेज का मतलब ये बता रहा है कि इस ये वाला जो हमारा डोमेन है, इससे रिलेटेड जो इसका पेजेस लिखे गए हैं, ये सबसे फर्स्ट में हमारी, यानी सबसे पहले आप इसे बीट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिंग कर रहा है, यानी सबसे ये सबसे पहले ऊपर है। आप देखेंगे अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो सरकारी जॉब अगर मैं लिखता हूँ तो डॉट कॉम पहले आता है, तब जाके डॉट सी सी आता है ना, क्योंकि टॉप में ये रैंक आप देखेंगे, है ना, टॉप में रैंक है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको बीट करने की कोशिश करें, है ना। इसको बीट करने के लिए इसका होम पेज एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। होम पेज एनालाइज करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका, आप इसको ओपन कर लीजिए और इसको गूगल में जाइए, इंटर कीजिए और इसका ऑर्गेनिक कीवर्ड दिखाइए, है ना। तो इसका देखो DR सबसे ज़्यादा है ना, तो इसको बीट करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ये सॉरी ये डॉट कॉम वाला मुझे लेना था, मैंने डॉट ओ आर जी ले लिया, ये वाला है। तो अपने को डॉट कॉम वाला का DR पता करना है। होम पेज को बीट करने के लिए सबसे पहले DR होता है, फिर बैकलिंक आती है ना, फिर ऐसी आता है। इसका देखो DR ये है 44K का, है ना, इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, लगभग 1.5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अपने क्या है, अपने को ध्यान देना है कि DR वाले को अपना सबसे पहले इंक्रीज करना है। अभी जो इस वेबसाइट का कंडीशन है, इसका क्या करना है, इसका DR इंक्रीज करना है और इस पे होम पेज पे SEO करना है ना। होम पेज पे इसके SEO करना है और इसका क्या करना है, DR इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इसका होम पेज का आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने पोस्ट का, ठीक है, अपने पोस्ट का कैसे होम पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे आप अपने DR इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और इसका कीवर्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड को एनालाइज करना पड़ेगा। अभी मैं किसी वेबसाइट का ऑर्गेनिक कीवर्ड नहीं दिखा सकता आपको, है ना, क्योंकि ये मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता दोस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ आर्टिकल का और बैकलिंक का, ठीक है। सबसे पहले हम होम पेज का DR को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद आर्टिकल लिखेंगे, फिर बैकलिंक बनाएंगे, तब जाके हम रैंक कराएंगे, ठीक है। तो आप इस स्टेप बाय स्टेप सीरीज को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसके इस वेबसाइट कैसे होम पेज हम ऑप्टिमाइज करते हैं, और इसके बाद इसी वेबसाइट को होम पेज ऑप्टिमाइज करने के बाद कैसे इसको हम DR को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, एफिलिएट ब्लॉगिंग या यूट्यूब के लिए टॉप लेवल के कीवर्ड रिसर्च करने का मैं मेथड बताता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, है ना, यहाँ पर लोग ज्वाइन करके अच्छा खासा सीख रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है ना। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शॉट शेयर करता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे मिलता रहता है, जैसे जैसे लोग सीखते रहते हैं ना। तो यहाँ पर ये अभी क्या है कि इनका फीडबैक का वीडियो ये नहीं बना के दे सकते, क्योंकि ये क्या है इनको थोड़ा सा बीमार हुआ है ना, जिसके वजह से इन्होंने सिर्फ मैसेज दे दिया है ना।
तो जो टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ वो बहुत ही जबरदस्त टेक्निक सिखाता हूँ कीवर्ड को फाइंड करने के लिए। किसी भी माइक्रोनिश वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, है ना, किसी भी माइक्रोनिश वेबसाइट के लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मेथड मैं आपको बताता हूँ, और अपने उस कीवर्ड को आप रैंक भी करा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने वेबसाइट का होम पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, डीआर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और आर्टिकल फिर बैकलिंक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।